जय हिंद दोस्तों। भाई क्या हाल है। तो आज अपना बजट है 15 से 17-18 हजार रुपए। आपने थंबनेल पे देखा होगा कि भाई 18 हजार की लिस्ट है, लेकिन यहाँ पे मैं बताऊंगा 16 हजार, 17 हजार और 18 हजार के तीन फोन जिनका बजट बहुत ही ज्यादा टाइट है, उनके लिए ये वाली वीडियो होने वाली है। नहीं तो मैं आपको वीडियो के लास्ट में एक वीडियो सजेस्ट करूंगा, वो वीडियो आपको डेफिनेटली देखनी चाहिए। अगर आप 2-4 हजार ऊपर नीचे कर सकते हो तो वहां पे आपको वैल्यू फॉर मनी डील्स मिलने वाली है। वैसे भाई आज की डेट में सारे ही ब्रांड्स भाई जंप करके जा चुके हैं। 25 से 30 हजार के बजट में सारे ही बहुत सारे फोन्स लॉन्च हो रहे हैं उस प्राइस में, लेकिन 20 हजार से नीचे भाई बहुत ही कम फोन्स हैं। तो उसमें से अगर बात करूं तो भाई 18 हजार की रेंज में आ जाता है रियलमी की तरफ से रियलमी 10 प्रो। ये एक बेसिक सा फोन है जहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन का 695 का एक नॉर्मल प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, 108 मेगापिक्सल कैमराज, 5000 mAh की बैटरी, 33 वाट की फास्ट चार्जिंग और 120Hz की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। और डिस्प्ले एक IPS डिस्प्ले है। तो अगर बात की जाए अगर नॉर्मल यूजर को जिनको एक 5G फोन लेना है और बजट टाइट है तो 18,000 के करीब भी आपको फोन देखने को मिल जाएगा और रैम और स्टोरेज आपको अच्छी देखने को मिल जाएगी। लुक भी भाई इसका अच्छा है, तो उस हिसाब से भाई रियलमी रवर्स ये डेफिनेटली फोन बाय कर सकते हैं। लेकिन भाई कोई ऐसा इंसान है जो कि अपने वर्क के लिए काम ले रहा है, उसको ज्यादा गेमिंग नहीं करनी, ज्यादा कैमरा से कोई भी मतलब नहीं है, एकदम सॉफ्टवेयर अच्छा होना चाहिए शौक एंड्रॉइड के लिए, तो वहां पे आता है मोटोरोला की तरफ से Motorola G73। ये बहुत ही बेसिक फोन है, इसका कैमरा भी बेस्ट नहीं है और इसका प्रोसेसर भी आपको ठीक ठाक देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको ऑल न्यू प्रोसेसर देखने को मिलता है, MediaTek Dimensity 930 का प्रोसेसर और 13 5G बैंड देखने को मिल जाते हैं। तो कनेक्टिविटी अच्छी मिलेगी, 5G स्पीड वगैरह भी अच्छी आएगी और यहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल का कैमरा, 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, 6.5 इंच का फुल HD+ का डिस्प्ले भी देता है और यहाँ पे बॉक्स में चार्जर वगैरह आपको सब मिल जाता है। तीन फोन बताऊंगा, तीनों में आपको साथ में चार्जर मिलता है। और भाई अब फाइनली बात करते हैं 18,000 से नीचे के बजट में आने वाला वन ऑफ द बेस्ट फोन जिसकी ब्रांड वैल्यू सही नहीं है लेकिन इसके स्पेसिफिकेशन बहुत ही ज्यादा तगड़े देखने को मिल जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं पोको की तरफ से आने वाला Poco X4 Pro 5G। यहाँ पे आपको 6.67 इंच फुल HD+ 120Hz की एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, 64 मेगापिक्सल के आपको तगड़े कैमरास देखने को मिलते हैं, उसी के साथ में 5000 mAh की बैटरी, 67 वाट की फास्ट चार्जिंग और प्रोसेसर देखने को मिलता है यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन का 695। तो ऑलराउंडर पैकेज है ये, आपको डिस्प्ले इसकी काफी तगड़ी देखने को मिलती है, कैमराज भी वन ऑफ द बेस्ट देखने को मिलते हैं। हाँ एक दिक्कत है, 695 के साथ में आप 4K रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते और उसी के साथ में आप नॉर्मल गेमिंग कर सकते हो। इसका लुक बहुत ही ज्यादा तगड़ा है, ग्लास बैक देखने को मिलता है बॉक्सी डिजाइन के साथ में। तो डेफिनेटली आपको ये फोन अगर आपको 18,000 से नीचे 16 से 17 हजार के बीच में मिलता है, 6+128GB वाला 6/64 मत लेना, 6/128 के साथ में आपको डेफिनेटली 16 से 17 हजार के बीच में वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। तो भाई ये थी हमारी लिस्ट तीनों फोन की जो कि आपको 18,000, 17,000 और 16,000 में देखने को मिलते हैं। लेकिन उसी के साथ मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि एंड वीडियो बताऊंगा कि आपको अगर 2-4 हजार ऊपर नीचे कर सकते हो तो बेस्ट फोन्स। तो यहाँ पे आपको ये वीडियो का थंबनेल शो हो रहा होगा 25,000 वाली वीडियो का। डेफिनेटली अगर आपका बजट 23,000, 24,000 है या फिर 22,000 भी है आपका बजट, तो आपको ये वीडियो डेफिनेटली देखनी चाहिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। आई होप कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जय हिंद, वंदे मातरम।